हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारी रेडर्स क्रू की जिप्सी थी, स्टॉक पोजीशन में थी। ये सब सीट ऊपर का तिरपाल, ये बैक सीट्स सब खुलवा दिया अब हमने इसका। और कहीं वर्कशॉप में नहीं खुलवाया, मैंने अपनी फैक्ट्री में इसको खुलवाया, ताकि जो मेन काम है, मतलब जो मेरे यहाँ फैब्रिकेशन का काम हो सकता है, वो तो मैं खुद यहाँ करवा लूँ, और जो काम यहाँ नहीं हो पाएगा उसको फिर हम कहीं पे मिस्त्री के पास ले जाएंगे और वहाँ करवाएंगे। अभी आप कंडीशन इसकी देख लो, यहाँ बिल्कुल रस्ट आया हुआ है। ये देखो, रस्ट आया हुआ है। और ये सब सीट वगैरह हमने खुलवा दी है, क्योंकि सीट हम चेंज कराएंगे, ये वाली सीट लगवाएंगे। ये भाई जो फाइबर का है ना, ये साइड में, ये ऑफ रोडिंग में टूट जाता है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया और इसकी बजाय ये मेटल का फैब्रिकेट किया। बहुत हैवी बन गया भाई ये तो, देख रहे हो कितनी मोटी शीट का है। ये है 14 गेज की शीट। तो अब ऑफ रोडिंग की गाड़ी के लिए जब आप लेकर जाते हो, तो फाइबर का कोई भी पार्ट या प्लास्टिक का कोई भी पार्ट आप कोशिश करो कि नहीं होना चाहिए। ये हमने बना दिया यहाँ के लिए। और इसको ब्लैक पाउडर कोटिंग कर देंगे, ताकि इससे मैच हो जाएगा, परफेक्ट फिटिंग, एकदम परफेक्ट। दूसरा, हम लोग सीट जो थी इसकी ओरिजिनल, वो तो बिल्कुल डिसकंफर्टेबल सीट थी, उसको निकाल दिया है। ये उसकी पत्ती खोल ली हमने, और अब हम इसका जुगाड़ बनाएंगे, ताकि इसमें स्विफ्ट डिज़ायर की सीट जो है वो फिट हो सके। मैं आपको दिखाता हूँ सीट्स। और ये सब काम मैं अपनी फैक्ट्री में ही करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि बाहर अभी कोई बैठा नहीं जो रीज़नेबल प्राइस पर कर सके। ये हमने स्विफ्ट डिज़ायर की ब्रांड न्यू सीट्स ले ली हैं, और अब इसकी फिटिंग हम बैठाएंगे पुराने वाली पत्ती पे। तो आज की डेवलपमेंट में भाई हमने ये छत फैब्रिकेट कर दिया। ये आपको नीचे से दिखाता हूँ, ये MS शीट की छत फैब्रिकेट कर दी हमने। अब इसको बाकी कनेक्टिंग पार्ट्स, मतलब जो है वो बनाएंगे यहाँ पीछे के लिए, ताकि एक क्वार्टर यहाँ पे कैबिन आ जाए फिक्स, और पीछे का एरिया खाली रहेगा। तो गाइज, ये हमने इसका हार्ड टॉप कच्चा तो बना दिया है, मतलब फुल फाइनल फिनिशिंग नहीं हुई है अभी, अभी हमने कच्चा बस फैब्रिकेट कर दिया। अब इसको केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम इसको फाइनल वेल्डिंग और फाइनल फिटिंग करेंगे। तो मैंने आज क्या ब्रेक चेक करने के लिए इसका ये खोला ब्रेक, तो पूरा ऑयल लीक कर रहा है। ये सिलेंडर जो है ना, ये सिलेंडर ये लीक है, और ब्रेक शू ख़त्म है लगभग। ये आप देखें, ब्रेक शू ख़त्म है और ऑयल ही ऑयल है पूरा। ये अब ये सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक शू चेंज करने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट भाई गला हुआ निकला है। ये गाड़ी हमने अपने एक बहुत ही अजीज मित्र से ली थी, है ना, उन्होंने कभी खोल के भी नहीं देखा होगा कि गाड़ी की क्या कंडीशन हो रखी है। देखो, ये पार्ट पूरा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का है पूरा पार्ट गला हुआ है। ये वाला सारा सामान भाई जिप्सी के लिए हमने मंगवाया। इसमें ये MGP के ओरिजिनल बुश हैं, लीव्स के, स्प्रिंग लीव्स के बुश हैं आगे के पीछे के। ये एक लॉक सेट है, ये अपनी केबल हो गई स्पीडोमीटर की, स्पीडोमीटर चालू नहीं था, तो उसकी केबल बीच में से ही कटी हुई थी। ये अपना नया स्पीडोमीटर है, इसको अभी खोलेंगे तब दिखाऊंगा। ये मैंने बूडमो से पहले ही मंगा लिया था। ये अपना लीवर के ऊपर का, जो 4x4 का जो लीवर होता है उसके ऊपर वाला नॉब है, ठीक है। ये हमने मंगाया है भाई डॉक्टर नैनो से सस्पेंशन। ये अपना शॉकर्स हैं, इसके 4 शॉकर्स हैं, और इसमें 4 लिफ्टिंग शैकल्स हैं, 2 इंची लिफ्टिंग शैकल्स हैं। तो इसको भी खोलेंगे, अभी फिट करेंगे तब। शॉकर अपने नॉर्मल शॉकर जो होते हैं वो हाइड्रोलिक होते हैं, और ये जो ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशल शॉकर्स बनाती है डॉक्टर नैनो,
नाइट्रो फिल्ड गैस के होते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यूज़ करने के बाद देखेंगे, मैंने आज तक यूज़ तो किए नहीं है, एक बार लगाएंगे फिर चला के देखेंगे। ये कुछ सामान मैं अभी मायापुरी से लेकर आया था, इसमें आपका ये टोइंग हुक, स्पिंडल हुक, और ये कुंडे जो होते हैं ना, ये मैं मायापुरी से ले आया था पुराने। तो सामान भाई लगभग ये अपना 25,000 रुपये का है डॉक्टर नैनो का, ये सामान अपना मायापुरी से जो मैं लाया था 1500 रुपये का है, और ये सामान कुछ 6,000 रुपये का है सब मिला के। अभी तक तो फ़िलहाल ये सामान हमने मंगवाया है इसके लिए, पहले सारी चीज़ों को फिट करेंगे फिर देखते हैं। तो ये भाई हमने ये खोल के इसके बुश भी चेंज करेंगे साथ में, और अपने शैकल भी चेंज होंगे। पुराना अपन ने ये जो नॉर्मल वाला है जिप्सी का ओरिजिनल्स ये हटा दिया, और अब अपन वो लगाएंगे अपना डॉक्टर नैनो वाला। ये नए बुश लगा दिए भाई, पुराने बुश में खैर बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं थे, बट कटे तो हो गए हैं। ये है डॉक्टर नैनो का नाइट्रो गैस फिल्ड सस्पेंशन का शॉकर जिप्सी के लिए भाई, बॉम्बे की कंपनी है, इसको यूज़ करेंगे उसके बाद इसके रिव्यूज़ डालेंगे कि क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क आया है। ये भाई पीछे का खोलना शुरू कर दिया भाई साहब ने, आगे के अभी टेम्परेरी लगा दिए हैं, कुछ सामान मार्केट से लाना है, वो लाने के बाद फिर उसको फिक्स करेंगे फाइनल। ये पीछे का भी शैकल हो गया भाई इंस्टॉल, और ये शॉकर भी लग गया है, तो अभी एक बार पूरा लग जाता है फिर टेस्ट ड्राइव पे निकलेंगे। तो भाई अपना ये काम हो गया है, शैकल्स लग गए हैं, शॉकर्स भी लग गए हैं, ये देखें शॉकर्स भी लग गए हैं, अगले पिछले सब लग गए हैं। काम अपन ने कराया है श्री गोविंद ऑटो रिपेयर से, नायला रोड पे है जयपुर में, कर्णोता के पास, यहाँ अपन ने ये काम कराया है। अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे फिर देखते हैं काम परफेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ। तो भाई हमारे एंड का जो जो काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी काम था। ये हमने आगे गार्ड लगा दिया है जिस पे लाइट फिट होएंगी, और हमने सस्पेंशन चेंज करा दिया है डॉक्टर नैनो का, सस्पेंशन लगाया है इसमें, स्प्रिंग लीव्स पुरानी है, बाकी शॉकर चेंज हो गए हैं, और ये लिफ्टिंग शैकल्स जो हैं ये नए लगा दिए हैं जिससे 2 इंच गाड़ी लिफ्ट हो गई है। ये कुंदे हमने लगा दिए हैं, और उसके अलावा ऊपर की बॉडी का जो पार्ट है ये पार्ट हमने अपने ही फैब्रिकेट किया है, और ये सपोर्टिंग के लिए पाइप लगा दिया है। ये साइड में नीचे साइड वाला जो फुटरेस्ट है ये हमने लगाया है अपने एंड पे, और जहाँ जहाँ से भी गाड़ी गली हुई थी वो पार्ट हमने चेंज कर दिया। पीछे भी हमने ये टोइंग हुक, पिंटल हुक ये लगा दिया है, और फुटरेस्ट लगाया है। ये आप देखेंगे शॉकर्स नए लग गए हैं इसमें। अब गाड़ी को देकर आते हैं पेंटिंग के लिए, और मेरे ख्याल से 10 दिन पेंटर लेगा, उसके बाद देखते हैं गाड़ी के क्या लुक्स आते हैं। ये जो एक पार्ट है ये भी प्लास्टिक का आता है इसमें, ये हमने लोहे में फैब्रिकेट किया था कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे प्लास्टिक के पार्ट्स को टूटने का डर सबसे ज़्यादा रहता है, तो हमने उनको मिनिमाइज़ कर दिया है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग शुरू करेंगे जब गाड़ी पेंट होकर आ जाएगी उसके बाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।